नमस्कार, मैं भारती झा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। बागेश्वर धाम वाले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ के बीच की केमिस्ट्री डिस्कशन में है। कमलनाथ को काफी बार बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री से मिलते देखा गया है, तो इस बार धीरेन्द्र शास्त्री कमलनाथ के घर चिंदवाड़ा में ही थे, तो भला वो उनसे मिलने कैसे नहीं पहुँचते। सोमवार को धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने पहुंचे कमलनाथ तो खुद को उनका सबसे बड़ा भक्त बताया। इस दौरान रिपोर्टर ने उनसे हिंदू राष्ट्र पर कुछ सवाल किए, जिस पे उन्होंने चौंकाने वाले बयान दिए हैं। हनुमान कथा के होने पर पूर्व सीएम कमलनाथ मीडिया को संबोधित कर रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार कमलनाथ से धीरेन्द्र शास्त्री से भारत के हिंदू राष्ट्र बनाने के बारे में सवाल पूछा गया, तो कांग्रेस नेता ने कहा कि इस पर हर किसी का अपना राय है। अगर आज हमारे देश की पॉपुलेशन में 82% हिंदू है तो ये कौन सा राष्ट्र है। हालांकि उन्होंने खुद को सेकुलर बताया और कहा कि संविधान में जो है मैं उस पर यकीन करता हूं। और कथा खत्म होने के बाद कमलनाथ ने धीरेन्द्र शास्त्री की जमकर तारीफ की। उन्होंने ये भी कह दिया कि महाराज जी, आप ये मत सोचिएगा कि आपका मेरे से पीछा छूट जाएगा। बहुत तरह के रिश्ते होते हैं, लेकिन मेरा और महाराज जी का रिश्ता हनुमान जी के जैसा है। यहाँ पर हर कोई गवाह है कि कोई भी मुझ पर उंगली नहीं उठा सकता है। महाराज जी, आप कई जगहों पर जाएंगे, लेकिन आपको चिंदवाड़ा जैसी जगह नहीं मिल पाएगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं और मुझे खुशी हो रही है कि चिंदवाड़ा के लोगों को यह सौभाग्य मिला जो शास्त्री जी से ये लोग मिल पाए और दर्शन कर सके। यही नहीं, प्रोग्राम खत्म होने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री को कमलनाथ स्पेशल फ्लाइट से भोपाल पहुंचे थे। गौर करने वाली बात यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री जब कथा के लिए पहुंचे थे तो कमलनाथ ने अपने आवास पर उनका स्वागत किया था। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के बाद बीजेपी के नेता प्रतिपक्षीय दावा दे रहे हैं कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने यह कथा एमपी में आने वाले इलेक्शन के कारण करवाई है। माना जा रहा है धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के बाद कांग्रेस के ही कुछ विधायक दल कमलनाथ से नाराज हैं और सवाल उठा रहे हैं। क्या बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की कथा से बीजेपी और कांग्रेस को आने वाले इलेक्शन में फायदा होगा? क्योंकि देखा जा रहा है बीजेपी पार्टी के मनोज तिवारी और कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ अक्सर उनसे कथाओं में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की होने वाली कथाएं अब नेपाल के चितवन में 20 अगस्त को होनी है, राजस्थान के बारा में 4 सितंबर को और एमपी के सागर में, बारा मल्हार में और भोपाल में होने वाली है। जिस तरीके से देखा जा रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री कथाओं और दिव्य दरबारों में हिंदू राष्ट्र का वादा कर रहे हैं, क्या यह मुमकिन है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और द फैक्ट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।